साधक जो परमार्थ लाभ करने के लिए जो वृंदावन में आए हैं, या गृहस्थ में रह करके भी जो जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति, उनके लिए पहले तो गुरु सेवा बहुत जरूरी है। गुरु को प्रसन्न करना, गुरु प्रसन्न बिना भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। तस्मात गुरु प्रवद्यते श्रेय उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा लेकर के गुरु चरण सान्निध्य में जाकर के तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिन तत्व दर्शिना। गुरु सेवा बहुत जरूरी है। गुरु भगवान के स्वरूप है। गुरु के माध्यम से समस्त तत्व शिष्य के भीतर प्रकाशित होता है। परतत्व विषय जो भी ज्ञान है सब गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी को रोशनी देते हैं, ये चंद्र किरण नहीं है, है सूर्य किरण। चंद्र किरण अपना किरण नहीं है, वो सूर्य किरण है। ऐसे ही जो बेष्टि गुरु है उनके भीतर से भगवत शक्ति, भगवान की जो कारुण्य शक्ति कृपा शक्ति वो शिष्य में संचारित होती है। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर शिष्य को कृपा करते हैं, तो गुरु के पास ही वो समस्त तत्व बोध करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु एक फिगर नहीं है, गुरु सर्वव्यापक सर्वत्र विराजमान है। ये नहीं कि हम घर में रहते हैं, गुरु सान्निध्य से हम दूर रहते हैं, ऐसे नहीं है। निष्ठा होने से वहीं पर बैठे बैठे तुम गुरु कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु के श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, गुरु सेवा, गुरु सान्निध्य। महत सेवायांग दार महुर विमुक्ते समुदार जो चित संग संगम। श्रीमद भागवत पुराण कहती हैं दो दरवाजा है, एक मुक्ति का दरवाजा, एक नरक का दरवाजा। तो महत सेवायांग दार माहुर विमुक्ते, महत सेवा माने गुरु सेवा, या विशेष कोई ऐसे पहुंची हुए संत महत सेवा। जब तक गुरु है तो गुरु सेवा ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु को अवहेलन करके किसी महत पुरुष का भी सेवा करने का प्रयत्न करना, ऐसे नहीं, गुरु अवज्ञा दोष लग जाता है। ठीक है महत के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन अपने गुरु में अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, है ना। कुलदानंद ब्रह्मचारी कुल, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। अपने गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। हाँ महत पुरुष में भी निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु अवर्तमान, गुरु है नहीं, उस स्थिति में हमारे सजातियों जो हमारे भजन पद्धति अनुसार अगर सजातीय होता है तो जा करके ऐसे महापुरुष के सान्निध्य में रह करके भजन सीखना, भजन करने का चेष्टा करना, उनकी सेवा करना उत्तम है। लेकिन गुरु वर्तमान बहुत देखा जाता है, गुरु छोड़ करके दूसरा कोई महापुरुष के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, ये गुरु अवज्ञा दोष लग जाता है, उसमें कुछ मंगल होता नहीं है। है ना, गुरु में श्रद्धा, गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। एक प्रश्न यहाँ आता है, बोलो। कभी कभी अनजाने में हम कहीं दीक्षित हो जाते हैं और बाद में वो जो भगवत बुद्धि है गुरु के प्रति वो निष्ठा नहीं रहती है, क्योंकि सद्गुरु के लक्षण जो हैं वो शिष्य को दिखाई नहीं देते। हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शिष्य को दिखाई नहीं देते। तो उस समय पर गुरु में भगवत बुद्धि का आरोप करना बड़ा कठिन हो जाता है, और जोर करके वो दीक्षा जहां से ली है उनसे भी भगवत बुद्धि नहीं कर पाता है, और दूसरी जगह जहां श्रद्धा स्वाभाविक हो रही है वहां भी वो नहीं कर पाता है।
तो उससे तो अच्छा है कि एक जगह जहाँ स्वाभाविक मन की वृत्ति है वहाँ करने में क्या दोष लगेगा? नहीं तो दोष लगेगा, अगर गुरु वर्तमान है, गुरु के प्रति अश्रद्धा, तो ये तो भजन जीवन ही चौपट हो जाता है। ये तो कृपा सापेक्ष है ना, हमको रोशनी कौन देते हैं? गुरु देते हैं, है ना। तो ये तो भूल तो पहले ही हो जाता है, पहले ही हम लोग क्या करते हैं, किसी का बात सुन करके, देख करके, किसी के मुख से सुन करके, किसी के प्रति श्रद्धालु हो करके जा करके, कोई परीक्षा नहीं कुछ नहीं, जाके दीक्षा ले लेते हैं, वहां जाके अनर्थ हो जाता है। ऐसे थोड़ी गुरुकरण होता है। गुरुकरण करने के लिए गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, गुरु को कम से कम पहले तो नियम था 12 साल गुरु को परीक्षा करेंगे, 12 साल उनके सान्निध्य में जा करके देखना है, उनके सान्निध्य में रहना है, उनके श्रीमुख से उपदेश श्रवण करना है। जब देखते हैं कि इनके प्रति हमारे श्रद्धा, अटूट श्रद्धा रहेगी, किसी भी अवस्था में श्रद्धा टूटेगी नहीं, और हम निस्संदेह हैं जो हमारे गुरु, हम जिसको गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं, यह हमको संसार सागर से मुक्त कराने में समर्थ है, ये विश्व दृढ़ विश्वास तुम्हारा हो जाना चाहिए। और किसी भी अवस्था में इनके प्रति हमारे किंचित मात्र दोष दृष्टि नहीं आएगी। ऐसे जब तुम निस्संदेह हो जाओगे तब जाकर के दीक्षा प्रार्थना करनी चाहिए। आजकल तो ऐसा नहीं, गुरु परीक्षा नहीं, गुरु भी शिष्य परीक्षा नहीं करते हैं, हम जो वस्तु देंगे ये इसकी योग्यता है कि नहीं, ये साधन करेगा कि नहीं, न कि ऐसे ही गुरु बन के फिर वो भी खरिया पलटन बन के खरिया संप्रदाय बनाना शुरू कर देगा, योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, ऐसा तो देखने में आता है ना। अभी हम जैसे गुरु बन जाते हैं रात रात में, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, गुरु का अधिकार योग्यता शास्त्र निरूपण किए हैं, तस्मात गुरु प्रबद्धते श्रेय उत्तम शब्द च परिनिष्णात, शब्द ब्रह्म में एवं पर ब्रह्म में निष्णात माने जो समस्त तत्व विषय में वो अनुभव सिद्ध ज्ञान है, अनुभव कर चुके हैं, ऐसे गुरु बन सकते हैं। एक फंसे हुए जीव को दूसरे को बंधन कैसे मुक्त कर सकता है? हम स्वयं फंसे हैं बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं, कामना वासना के अंधकार जाल में फंसे हुए हैं, मन में अथाह कामना राशि, और हम गुरु बन जाते हैं तो क्या होगा? अपना तो अकल्याण है ही है, दूसरे को भी हम अंधकार में धकेल रहे हैं, जाओ है ना, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसीलिए पहले गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, गुरु सब कोई हो नहीं सकता है, समस्त सर्वथा समस्त दोष मुक्त होनी चाहिए, निर्दोष है। दोष बहुत प्रकार, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मदमाश्चर्य हिंसा छेद परापेक्षा, इतना सारे दोष जीव में है, समस्त दोष वर्जित, कोई दोष नहीं, तब जाके उसको निर्दोष कहा जाता है। ये निर्दोष है, निर्दोष माने कोई भी दोष नहीं, मोह तंद्रा भ्रम असत्य ये सब क्रोध काम क्रोध लोभ मोह ये सब वर्जित, ये कब हो सकता है? जब साक्षात भगवत दर्शन करने में समर्थ होता है, जब पूर्ण रूप से भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ होता है, तभी जाके वो सर्वथा निर्दोष होता है, तो वो गुरु हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कोई भी गुरु बन जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, परमार्थ विषय में ऐसे होता नहीं है। एक अंधा है, दूसरों को कैसे राह दिखाएगा? अंधा अंधा को क्या राह दिखाएगा? इसीलिए गुरुकरण करने के लिए कभी व्याग्र नहीं होनी चाहिए, हमारा गुरुकरण करना है, गुरुकरण करना, नहीं तो भजन होगा नहीं, रात रात में कहीं जा करके ऐसे व्याकुलित होकर के कहीं से कान फुकवा लिया रात रात में, ऐसा थोड़ी होता है। भजन जीवन चौपट हो जाएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा नष्ट होने से समस्त भजन जीवन चौपट हो जाएगा। पहले विचार करो, पीछे विचार नहीं करना,
पहले देखो, पीछे देखना नहीं, पहले विचार करो बढ़िया करके अच्छी तरह से। ऐसा थोड़ी है रात रात में जाकर के कान फूक लिया, और हम जैसे गुरु और वो भी चेला बनाने के लिए देखते हैं, पैसा वाला है बढ़िया है, इसको चेला बनाएंगे तो हमारा तो बहुत लाभ है, कहीं दूसरा जगह चला जाएगा भाई, ये तो झमेला है, ये पैसा वाला है, इसको चेला बना लेंगे तो हमारा कितना पैसा भाई, प्रणामी भेंट प्रणामी सब और सेवा बताएंगे, ये कर दो वो कर दो। रात ये रात में सुबह होते ही जल्दी नहा के आ जाओ, तुमको तुम जहाँ आ गए हो ऐसे जगह तुमको कहीं नहीं मिलेगा, तुम ठीक जगह आ गए हो, जाओ नहा के आ जाओ ले हो। है ना, ऐसा थोड़ी होता है, देखो विचार करो, ये खेल तमाशा नहीं है, परमार्थ मार्ग जो है ऐसा नहीं होता है। पहले साधु संघ, साधु संघ में रह करके जानो गुरु कौन होते हैं, गुरु कैसे होनी चाहिए। पहले हरि नाम करो, तुम्हारे गुरुकरण हुआ नहीं तो पहले हरि नाम करते रहो, हरि नाम करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है फिर जाके गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे। गुरुकरण करने के लिए तुमको गुरु ढूंढने का आवश्यकता है नहीं, गुरु स्वयं भगवान गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर तुम्हारे तुम्हें वही अधिकार आ गया, योग्यता तुमको आ गई है, तुम साधन चेष्टा के द्वारा ऐसे तुम्हारे अंतकरण शुद्ध हो गया है, गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। समाचरण लाहिड़ी नाम के एक जोगी रास्ते, हम तो जा रहे थे जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित, आ गया प्रसंग समाचरण लाहिड़ी बिहार में दानापुर में नौकरी करते थे फूड डिपार्टमेंट में, आचार्य उनका क्लार्क थे फूड डिपार्टमेंट का, रानी खेत है हिमालय तलाटी में एक जगह, वहाँ वो ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। भजन भजन करते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, आग्रह भी नहीं है, श्रद्धा है लेकिन नौकरी करते हैं ब्रिटिश पीरियड, चले गए हैं ट्रांसफर लेकर के, ट्रांसफर हो गया, रानी खेत चले गए हिमालय तलाटी में, हिमालय की सुंदरता देख करके बड़ा मन मोहित हो गया। एक दिन घूमते 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 चलते 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 एकांत चलते चलते जा रहे हैं जंगल की ओर, और पीछे से एक जन पुकार रहे हैं समाचरण समाचरण, पीछे मोड़ के देखते हैं जटाजोटधारी एक सन्यासी। अरे यहाँ आपको कौन पहचानता है, बंगाली थे समाचरण लाहिड़ी। आप कौन है, आप कैसे हमको जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं, या हम कौन है, हमारे नाम आप कैसे जानते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ, कुछ नहीं कोई शब्द नहीं, आओ मेरे साथ। ले गए, लेकर के जंगल में एक हिमालय के गुफा में ले गए, लेकर के दिखाते हैं, ये देखते हो ये जो स्थान देखते हो तुम जानते हो यहाँ, बोलते नहीं हम तो कभी आए नहीं, तो पहली बार आए हैं, तो स्पर्श किया ऐसे, पर स्पर्श करने से उसके पूर्व जन्म की स्मृति आ गई उनके भीतर, देख रहे हैं जो पूर्व जन्म में ही तपस्या की वो गुफा में, बोलते ये दंडो कमंडोल आदि जो सामग्री है तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तुम्हारे जो वस्तु देना है वो देने के लिए हम आए हैं, तुम स्नान करके आ जाओ, हम तुमको दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे, फिर तुम अपना साधन में लग जाओ, हम ही ऐसे भ्रमित करके तुमको यहाँ लाए हैं, तुम्हारे डिपार्टमेंट से ऐसे भूल करके तुमको यहाँ लाया गया है, अब कुछ दिन में तुम्हारा फिर ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा, तुम फिर यहाँ से लौट के चले जाओगे दानापुर, जाओ। फिर स्नान करके आए तो फिर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किए, फिर साधन में लग गए, गृहस्थी अवस्था में अल्प दिन में बहुत साधन के बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए, भारत के साधक में उनकी जीवन चरित है, रोंगटे खड़ा हो जाएगा कैसे जीवन चरित है। तो ऐसे हैं गुरु आ जाते हैं। ध्रुव महाराज कौन सा गुरुकरण करने के लिए जंगल गए थे, जानते ही नहीं जो हमको गुरुकरण करना है, भगवत प्राप्ति करनी है,
बीमाता का कठोर शब्द सुन करके एकदम बिलबिला गए, एकदम क्षत्रिय बालक है ना। बीमाता ने कह दिया जा, अगर पिता के गोदी में तेरे को बैठना है तो जा साधन करके तपस्या करके भगवत प्राप्ति कर लेना, तो भगवान तेरे को वर देने के लिए आएंगे, तो मांगना जो हम बीमाता के गर्भ में हम जन्म लेंगे, फिर हमारे गर्भ से तो जन्म लेना, फिर हमारे गर्भ से जब जन्म लेगा तब जाके तो पिता का गोदी में बैठना, चल यहां से। ऐसे कठोर शब्द, क्षत्रिय बालक एकदम जैसे नाक सर्प के ऊपर हाथ मारने से जिस तरह से फुतकार मारता है इस तरह से जाओ। फिर घटना बोल, फिर जाकर को रात को, रात को अंधकार में चले गए जाकर के, हा हरी जंगल में, गहरा जंगल में जाकर के, हा हरी तुम कहाँ हो, हा हरी तुम कहाँ हो। भगवान जान गए हैं इसका दीक्षा का समय हो गया, नारद ऋषि को भेज दिए है, नारद तुम जाओ इसको कृपा करो, इसका समय हो गया, इसका गुरुकरण करने का वक्त आ गया। ऐसे है ना, तो गुरुकरण के लिए व्यग्र नहीं होनी चाहिए, जहां तहां कान फूकना कदापि उचित नहीं, तुम निस्संदेह हो जाओ, तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, या तो स्वप्न में कहीं निर्देश कर देंगे जाओ तुम वहां जाओ, वो तुम या स्वप्न में तुमको दिख जाएगा, गुरु तुमको दिखाएंगे, तुम पहचान जाओगे जो ये हमारे गुरु हैं। ऐसा ऐसे है, ऐसा होता है, नाम करते रहो, जब तक गुरुकरण होता नहीं तब तक हरि नाम करते रहो, जो नाम तुम्हारे अच्छा लगे वही नाम तुम करते रहो, ऐसे है ना। सब प्रिय नाम कीर्ता, तुम्हारे जो प्रिय नाम है, जिस नाम में तुम्हारे ज्यादा रुचि है, आग्रह अच्छा लगता है, वो नाम तुम रटते रहो, कीर्तन करते रहो। भगवान के सब नाम ही स्वयं संपूर्ण सच्चिदानंदमय है, नाम तुमको कृपा करेंगे। यह हमारी प्रैक्टिकल है, यह हम किसी से माने ये सुन करके हम नहीं कह रहे, मैं यहाँ बैठ के ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ हमारा प्रैक्टिकल है जीवन का, इसीलिए इस विषय में हमारा कोई संदेह नहीं है, हम जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल सत्य शब्द कह रहे हैं। नाम करो, नाम से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास आ जाएगा, ऐसी बात है ना। बोलो, कृपा सिंधु बाबा ने दीक्षा तो ली थी यहाँ भदावल वाले महाराज जी से, रहे पंडित बाबा के साथ में, और कृपा भी मिली पंडित बाबा की ही, और अटूट श्रद्धा जो थी वो पंडित बाबा के ही श्री चरणों में थी अंत तक, तो इसमें क्या समझा गया। देखो कभी कभी कुछ ऐसे कषाय रह जाता है पूर्व पूर्व जन्म का, कुछ भोग कुछ संस्कार कुछ कमियां रह जाती है, उसके लिए साधक को कभी कभी आना पड़ता है एक आध बार। ऐसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा के सान्निध्य आकर कभी 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 देखा जाता है, फिर एक आध बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा तीन जन्म शास्त्र में ऐसा कहते हैं, एक जन्म में नहीं हो तो तीन जन्म में तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, अगर सदगुरु हो तो, और हम जैसे गुरु हो तो कह नहीं जाएगा तुम कितना तक कहां तक घूमते रहोगे, कोई गारंटी नहीं है, हम जैसे को गुरु बना लिया तो है ना, सदगुरु होनी चाहिए। सदगुरु अलग होता है, गुरु बहुत हो सकता है, गुरु और सदगुरु में भेद है। गुरु है जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट ट्यूटर है, ये सब गुरु पद बच्चों, पिता माता गुरु है, भाई गुरु है, जो शिक्षा देते हैं कुछ भी शिक्षा देते हैं, ये सब गुरु है। लेकिन सदगुरु उसको नहीं कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है जो संसार सागर से हमको मुक्त करने में समर्थ है, समर्थ जो महापुरुष है वो सदगुरु पद वाच्य, शक्ति सामर्थ्य, जो दृष्टा पुरुष, जो भगवत दर्शन कर चुके हैं, जो भगवत आदिष्ट पुरुष, जो भगवान जिनको गुरु पद में अभिषिक्त किए हैं, ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त करने से तीन जन्म के अंदर तुम्हारी मुक्ति, तुम कितने भी पापाचारी दुराचारी अभिचारी व्यभिचारी कुबिचारी कदाचारी हो, अवश्य तुम तीन जन्म के अंदर तुम मुक्त हो जाओगे, संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। ये बात नाम संकीर्तन आपका संकीर्तन देख के करता हूँ जैसे भी, मगर मैंने भी कुछ धारण करा नहीं बोल पाता मैं,
मैंने सोचा कि किसी जिसको गुरु बनाना मैं देखता हूँ डेली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपका डेली चंचलता करना नहीं, व्यग्रता दिखाना नहीं है। गुरु भगवान है, गुरु हमारे साथ है, गुरु कोई एक फिगर नहीं, गुरु एक पर्टिकुलर शरीर नहीं, गुरु साक्षात भगवान है। वो एक सोर्स होता है, बस एक सोर्स, उस सोर्स से हमको शक्ति मिलती है। जैसे मान लो बिजली है, हमारे जो बिजली के जो पावर हाउस है वो सोर्स है, लेकिन बिजली यहाँ से हमको पूर्ण सब बिजली मिल जाएगी, ऐसे नहीं है ना। तो वो सोर्स है, वहां से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। इसीलिए व्यग्रता नहीं करनी चाहिए। गुरु करण से पहले तिलक कर सकते हैं? तिलक, हाँ, तुम्हारी श्रद्धा है तो कर सकते हो। तिलक करने में दोष, तिलक क्या है, तिलक क्या है, तिलक है इसको कहते हरि मंदिर, इसको तुम उलट दो तो एक मंदिर का शेप आ जाएगा, है ना। मंदिर का देखो नहीं जो भाई किया है, इसको उलट दो, उल्टा एक मंदिर रचना किया हुआ है, इसको कहा जाता है हरि मंदिर। यहाँ हम मंदिर रचना करके उस मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र पुत करते हैं, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके। ये शरीर मैं नहीं, ये भगवान की निवास स्थली है। तो मंत्र पुत करते केशवाय नमो, ललाट में केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, गोविंदाय नमो, विष्णुवे नमो, मधुसूदनाय नमो, त्रिविक्रमाय नमो, वामनाय नमो, श्रीधराय नमो, ऋषिकेशाय नमो, पद्मनाभाय नमो, दामोदराय नमो, मस्तक में वासुदेव, ये सब भगवान को हम मंत्र पुत करते हैं। प्रभु तुम इस मंदिर में निवास करो, बस इस घट में ये तुम्हारी निवास स्थली है ये शरीर, मैं इस घट में रह करके तुम्हारी प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करता हूँ, मैं तुम्हारे दास हूँ। इस घट में मैं रहता हूँ लेकिन इस घट का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो इस घट में रहता हूँ तुम्हारे दास, दास बन के प्रभु के प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म कर रहे हैं, ये भावना। जैसे मंदिर देखकर हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हरि मंदिर रचना जो करते हैं, वो जो देखते हैं वो भी पवित्र हो जाता है दर्शन मात्र से। तिलक धरी किसी को दर्शन करके जो देखते हैं वो पवित्र हो जाता है, इसको कहा जाता है हरि मंदिर, है ना। ये तो कोई भी रचना कर सकते हैं, इसमें दोष थोड़ी है। जिनको हम श्रद्धा करते हैं उन्हीं का तिलक हम धारण, हाँ, उन्हीं का तिलक करो, खूब करो, मना थोड़ी है, खूब करो, है ना। तो ये तो गुरुकरण है। तो थोड़ा सा जीव गोस्वामी पाद संबंध में कहें, जीव गोस्वामी पाद समस्त शास्त्रवेत्ता तत्ववेत्ता बन करके आए हैं, अपने ताऊ जो रूप गोस्वामी पाद उनके चरण सान्निध्य में रह करके भजन शिक्षा प्राप्त किए हैं, गुरु सेवा में तत्पर हैं, अल्प उम्र नवीन उम्र है, रूप गोस्वामी पाद रहते हैं टेर कदम में, उनके सेवा में रहते हैं। एक दिग्विजयी पंडित आए हैं, सुने हैं वृंदावन में बड़े बड़े पंडित हैं, तो अपने श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए आए हैं। कौन पंडित है यहाँ जो हमसे कक्षा करे, और हम हरा देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा विश्व में। आए हैं सुने हैं जो रूप गोस्वामी पाद है, समस्त भुजवासी को लेकर के आए हैं रूप गोस्वामी पाद के पास। रूप गोस्वामी पाद तो भजन करते हैं जंगल में टेर कदम में, हल्ला गुल्ला सुन करके बाहर आए हैं, तो वहां से दोला में आ रहे हैं, बड़े पंडित देख करके आसन प्रदान किए हैं। हम सुने हैं आप बड़े पंडित हैं, हमसे कक्षा कीजिए। बोलते कौन कहा है आपको हम पंडित हैं, हम तो बहुत ही मूर्ख हैं, कोई ज्ञान नहीं कुछ नहीं, अभी तक हम शरीर धर्मी बन करके शरीर में आत्मबुद्धि करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। कौन आपको कह दिया जो मैं पंडित हूँ? मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख से मूर्ख हूँ। अगर मूर्ख नहीं होता तो ये शरीर धर्मी बन करके भगवत अंश होकर के मैं संसार चक्र में अभी तक फंसा रहता। अब माफ कीजिए, ऐसे आपको किसी ने भ्रमित कर दिया। तो नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है आप बड़े पंडित हैं, हमसे कक्षा कीजिए।
तो बोलते ये बड़ा आफत आ गया, जोर करके कक्षा करना चाहते हैं। बोलिए देखिए मैं आपके शिष्य का भी शिष्य होने का लायक नहीं हूँ, मैं तो अतिशय प्रयोजन नहीं है, जो भजन करने आए हैं वो तो तर्क वितर्क से दूर रहती है, अपना प्रतिष्ठा से दूर रहती है। अभिमानंग शूरापानंग गौरवंग रौरवंग समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तुरंग त्यागता हरिंग भजित। हमारे शास्त्र कहते हैं जो भजन पीछे करना, अगर तुम भजन करना चाहते हो, हरिभक्ति प्राप्ति करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, पहले ये तीन को त्याग करना फिर भजन करना। अभिमान, मैं पंडित हूँ, कुलीन मानी धनी ज्ञानी, मैं भजन नंदी वैष्णव आदि जो अभिमान, इसको पहले त्याग करना। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम इसमें सर्व सिद्धि, अपना को हीन ज्ञान ये भावना रख लो। उत्तम भैया हवे निरभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। आपने उत्तम है लेकिन निराभिमान, वो आपने कभी मानते नहीं मैं बहुत पंडित हूँ ज्ञानी हूँ, सब में भगवान है ये जान करके प्रणाम करते हैं, हम ही सबसे हीन है नीच है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम इसमें सर्व सिद्धि, ये महाप्रभु हमको सिखाते हैं। तो बोले महाराज आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं तर्क करना हमको आता नहीं है, हम जानते भी नहीं है, तो ठीक है हमको आप स्वीकार कर लीजिए। बोले हाँ ठीक है, माला ला के उनके गले में पहना दिए हैं, हम स्वीकार करते हैं, आप बड़े पंडित हैं, हम आपकी जो शिष्य है उनके कक्षा करने का भी हमारा सामर्थ्य है नहीं। ये जा रहे हैं आनंद में, दिग्विजय पंडित उनके शिष्य जीव गोस्वामी पद पवन शरवण में नहा करके आ रहे थे, फिर उनसे देखा जो बड़े हल्ला चिल्ला भजवासी के साथ जा रहे हैं लौट के, क्या बात है क्या बात है, नहीं रूप गोस्वामी पद हार गए हैं, माला पहना दिए है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, उस गड़बड़ है क्या, हमारे गुरुदेव इनसे तर्क किए थे, वो तो तर्क तो किए नहीं, भजवासी लोग कह रहे हैं, वो ऐसे ही माला पहना दिए हैं। तो गुरु का मर्यादा रखना शिष्य का तो कर्तव्य है, गुरु मर्यादा शिष्य कैसे मान लेंगे। ए किशोरी उतरो, दोला से उतरो। अरे ये बच्चा क्या कहता है, अरे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो कुछ भी हो, अब हमारे सामने कक्षा करो, हमको हरा फिर जाओ यहाँ से, क्या करे मजबूर होकर उनको उतरना पड़ा। दो चार शब्द में ही एकदम बिल्कुल उनका मुंह बंद हो गया, अरे भागड़े 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 करते करते भाग गया वहां से एकदम, जितना पोथी पाता है सब लेकर के भाग गया। शीर भुजवासी बड़ प्रसन्न हो गए, सब एकदम साजा बाजा लेकर के माला पहना करके जीव गोस्वामी को लेकर के फिर आए हैं टेर कदम में, और जीव रूप गोस्वामी पास देखते हैं तो ये फिर आफत आ गया, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा, ये आफत कहाँ से, आज बड़ी अशुभ दिन है, एक आफत तो गया एक दूसरा आफत कौन आ रहा। देखते हैं उनके चेला जीव गोस्वामी को माला पहना करके खूब साजा बाजा लेकर के आ रहे हैं, सामने आए तो पूछे क्या बात है, नहीं ऐसे दिग्विजय जो थे उनको हरा दिया आपके शिष्य जो है, बहुत नाराज हो गया, तुमने ये शिक्षा प्राप्त किया है? प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा, तुमने स्नान करने के लिए गए पावन शनिवार पवित्र होने के लिए, तुम तो अपवित्र होके आए हो, तुमने तो शुकरी विष्ठा लेपन करके अपवित्र होकर के तुम आए हो, तुम आज पवित्र शुचिता तुम में है नहीं, तुम अशुचि होके आए हो, निकाल जाओ यहाँ से। अभिमानंग शूरापानंग, अभिमान ये शूरापान मदिरा पाई जैसे, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, क्या जरूरत है आपको बड़ा होने का, बड़ा होने के लिए हम लोग आए हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, और यहाँ आके मान अभिमान थोड़ा सा छोटा हो ही जाता तो क्या होता है, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि या हीनता, ये तो हमारे भूषण है अलंकार है, दीनता साधु के लिए अलंकार होता है। जब साधु कहते हैं देखिए मैं तो बहुत अयोग्य हूँ, मैं तो असमर्थ हूँ, हम में तो कोई ज्ञान नहीं, तो ये क्या होता है, जब साधु ऐसे विनम्रता दिखाते अच्छा लगता है, एक अलंकार बन जाता है, भूषण बन जाता है, दीनता
एक अलंकार बन जाता है। किसी के मन में ऐसा भावना होती नहीं, अरे ये जो कह रहा है ये बहुत छोटे हैं, नीच है, तो ऐसे ही नीच है, थोड़ी ऐसा सोचते, आहा कैसे दीनता है, कैसे विनम्रता है, आहा हा कितने सुंदर, हम में ये दीनता नहीं, हम में विनम्रता नहीं। ये तो दीनता साधु के लिए, वैष्णव के लिए अलंकार बन जाता है, अलंकार। ये अलंकार से भूषित होते हैं साधु, जिसमें दीनता नहीं उसमें साधुता नहीं। साधु कौन होता है? साधु ऐसा कपड़ा पहनने से साधु होता है ना, दाढ़ी जटा रखने से साधु होता है? साधु स्वभाव से होता है। सच बोलो दीन रहो छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि नामे ले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं सच बोलो दीन रहो, दीनता छोड़ो परधन की आस। परधन क्या है? दूसरे का रुपया पैसा, ये शरीर भी परधन ये मेरा नहीं, घर मकान दुकान ये भी मेरा नहीं, ये रह जाएगा। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सब आगंतुक है, ये रहेगा नहीं, ये सत्य है, ये परधन माइक वस्तु है। निजी धन क्या है? एकमात्र परमार्थ, तो हमारे ठाकुर जी हमारे निजी धन है, और ठाकुर जी छोड़ करके और जो भी वस्तु है पदार्थ, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सब परधन। परधन माने रुपया पैसा नहीं, दूसरा का पैसा नहीं। छोड़ो परधन की आस, वस्तु त्याग करने से वैराग नहीं होता है, वस्तु त्याग करने से वैराग नहीं होता है। वैराग क्या है बोलते, सुबह उठो, उठ करके देखो जो भी वस्तु पदार्थ तुम देख रहे हो, ये जानना एक भी तुम्हारा नहीं है, कोई भी वस्तु तुम्हारा नहीं है, ये मन में धारण कर लो। अगर तुमने धारण कर लिया तो वैराग हो गया, मेरा नहीं है, ये है वैराग। वस्तु त्याग से वैराग नहीं होता है। तुम सुबह उठ करके जो भी वस्तु पदार्थ देखते हो दृश्यमान, ये कोई भी तुम्हारा नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये आगंतुक संबंध है। शरीर भी आगंतुक है, मातृ जठर में मिला तुमको, शशान में परिसमाप्ति, शशान में तुमको छोड़ करके जाना पड़ेगा, फिर तुम चलोगे, आगंतुक है। तो आंख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ देखते हो जानना ये तुम्हारा नहीं, बस तुम जान गए ना तो वैराग हो गया, उसको कहते वैराग, तुम्हारा नहीं। तो अभिमानं शूरापानं, ये अभिमान शूरापाई जैसे, तो कहते हैं तुम सूची हो के आए नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये अभिमान, तुम्हारे अंदर ये अभिमान, तुमने उनको हरा दिया, क्या जरूरत है, सबको सम्मान दो, दूसरे को सम्मान दो, अपने को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि अपने को हीन मानो। श्रीमद् भागवत कहते हैं मनुष्यता निभूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलय प्रविष्ट भगवान इति। मन के द्वारा सब में भगवान है जान करके सबको प्रणाम करो, सम्मान करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, ये हमारे धर्म शिक्षा देते हैं, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म, हमारे वैष्णव धर्म ये शिक्षा देते हैं। शायद विश्व में और कोई धर्मावलंबी ऐसे हैं, ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये हमारी जानकारी है नहीं। अगर जानकारी होता तो विश्व में ऐसे खलबली नहीं मचता। धर्म के नाम पर जिस तरह से चल रहा है हिंसा, जिस तरह से विनाश के लिए आगे बढ़ रहा है, ये धर्म के नाम पर आतंकवाद आदि जो धर्म के नाम पर, अभी अफगानिस्तान में देखो धर्म के नाम पर ये, लेकिन हमारे सनातन धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं, ये कुछ हट करके। अतः मांग सर्वभूत भूतात्मा नाम कृतालयम और है दान मानव मैत्री भिन्न चक्षुषा। मैं सबके अंदर ये घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूं, कृतालयम शरीर बना करके इस घट में मैं ही निवास कर रहा हूं। इसीलिए सबके अंदर प्रभु जान करके दान मानव्यम मैत्री इत्यादि के द्वारा सबको सम्मान करो। तुम सम्मान करना तुमको आता नहीं है, तुम वैष्णव बनने आए हो, तुम्हारा अंदर अभी इतना अभिमान, क्या हम उनको हरा नहीं सकते थे?
हम उनके सामने कक्षा नहीं कर सकते थे। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा लेपन करके तुम आए हो, पवित्र हो का निकलो, त्याग दिया, जाओ, तुम हमको मुंह नहीं दिखाना। से कैसी शासन, कैसी शिक्षा, आजकल है ही नहीं। पहले तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे मानसिकता है नहीं, और शिक्षा जो देंगे वो भी उनका अधिकार योग्यता है नहीं, स्वयं आचरणशील नहीं है, अधिकार भी नहीं, योग्यता भी नहीं। शिक्षा कौन दे सकता है? जिनमें अधिकार है, योग्यता भी है, दोनों होनी चाहिए ना। अब हमको, हम तुमको शिक्षा देंगे, शिक्षा तो हमें होनी चाहिए है? तो अभी दो वस्तु का अभाव, पहले तो शिक्षा देने लायक अधिकारी योग्यता संपन्न महत्पुरुष का अभाव, और शिक्षा लेने के लिए विनम्रता पूर्ण आचरणशील साधक का अभाव। आचरण करने के लिए भी तैयार नहीं, हम बोलेंगे शासन करेंगे तो भग जाएगा, बोले देख यहाँ जाएंगे नहीं, बेकार, इतना तारण करते हैं, भर्षण करते हैं, ये करते हैं, है ना, है ना, कठिन है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, गुरुगृह में रह करके ये शिक्षा करनी पड़ती थी पहले शिष्य के लिए। तब ना जा करके ऐसे ऐसे महत्पुरुष बने हैं हमारे भारत में, अभी कमी आ गया है। अभी क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गया लेकिन क्वालिटी बहुत खराब हो गया। वैष्णव तो है तिलकधारी, हम समालोचना नहीं करते हैं, मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, क्वांटिटी बढ़ गया वैष्णव, अभी चार चार और तिलक कुटी माला को देखता है, पहले से बहुत ज्यादा है। पहले तो ये वृंदावन में दो चार ही महत्पुरुष आए हैं भजन करने के लिए, आते थे गिन गिन के दो चार जन, और अभी तो गली गली में देखो हजारों। अभी निमंत्रण कर दो, भंडारा का नाम सुनते ही देखना एकदम, बिल्कुल तुम 100 निमंत्रण करोगे तो हजारा के हाजिर हो जाएगा, कितना साधु तुम है? है? तो क्वांटिटी तो बढ़ गया है, क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में आता है क्वालिटी डाउन हो गया है ना। त्याग दिया, जाओ आज से मुंह नहीं दिखाना, दुखी होकर के 3 दिन अनाहार रह करके वहां पर रहे, नहीं जाओ, तुम्हारे इतना दाम्भिक अहंकारी, तुम एकदम सम्मानी व्यक्ति को तुम अपमान कर दिया। अरे क्या अन्याय किया आपने, गुरु मर्यादा रक्षा के लिए ही तो तर्क किया, नहीं तो क्या जरूरत था उनका है? लेकिन दुख शासन चले गए जंगल में, सनातन गोस्वामी का खबर मिला, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी चले गए, उनको त्याग दिया रूप गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी आए, दयालु हृदय जानते हैं, हाँ रूप, रूप है छोटा भाई, बड़ा भाई सनातन गोस्वामी, हाँ रूप, हाँ भैया बताओ, हम सुने हैं तुमने जीव गोस्वामी को तुमने त्याग दिया। हाँ क्यों नहीं त्यागेंगे, अरे दुष्ट अहंकारी दाम्भिक मर्यादा लंघनकारी, पहले तो गुरु मर्यादा लंघन किया, फिर एक महत्पुरुष को आए हैं, ठीक है उनका सम्मान करो, विनम्रता नहीं, दीनता नहीं, अहंकारी, इसीलिए हमने शिक्षा के लिए त्याग दिया। अच्छा रूप ये बताओ, वैष्णव का जो गुण होना चाहिए, सबसे बड़ा गुण कौन सा गुण है, कौन सा गुण होना चाहिए तुम्हारे नजर में? हाँ दया तो बड़ी गुण है, ठीक है, और क्षमा गुण ये भी साधक में होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, दया गुण और क्षमा गुण ये सबसे बड़ी गुण है। तो तुम ही बताओ, तुम कहते हो अभिमान, ये बड़ा अभिमानी दाम्भिक, तुम कौन सा अभिमान, तुम्हारा कौन सा कम है तुम में है? अरे दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान, तुम अपने को दीन मानते हो, दीनहीन मानते हो है? वो तो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा तर्क वितर्क किया है, दीनता का अभिमान ये भी तो तुम्हें भरा हुआ है,
तुम अपने को दीनहीन मानते हो और तुम्हें बोलते हो दया गुण क्षमा गुण बड़ी होनी चाहिए, तुम कहाँ क्षमा किया, तुम्हारा क्षमा तो है ही नहीं, तुम्हें ये तो बालक है, नहीं तो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा सतर्क किया है, ठीक है उसको तारण करके उसको फिर ऐसा नहीं करना, फिर उसको क्षमा कर दो, क्षमा नहीं है तुम घमंड दिखाते हो, बड़े साधुता दिखाते हो तुम, बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है शरद गोस्वामी, दीनतार अभिमान शिव अभिमान जीवे दया, तो वो बड़ा गुण है, तो जीवे दया कहाँ तुम्हारा, जीवे मैंने जीव गोस्वामी पे, जीवे दया बड़ी गुण है तो जीवे दया तुम में कहाँ, जीव को तुमने दया नहीं किया, तुम दीनता का अभिमान दिखाते हो, समझ गया बहुत पुरुष है ना भैया, गलती हो गया भैया गलती है, क्रोध आ गया, क्या करें, दिमाग हमारा थोड़ा गर्म हो गया, हमको थोड़ा सा क्या करें, कमी हम में है, हमारा थोड़ा क्रोध हो गया, थोड़ा सा दिमाग छोटा है ना, अभी थोड़ा शासन नहीं करने से बिगड़ जाएगा, भैया थोड़ा सा कमी तो हम में है भैया, माफ कर देना, अरे तो फिर तो वो तो ज्यादा दूर गए नहीं, वो तो सीधा गए सनातन गोस्वामी के पास, जीव गोस्वामी पास, गुरु जी को बोल करके थोड़ा समझा बुझा के थोड़ा सा क्षमा करा दो, दिला दो हमको क्षमा, जा करके बुला के लाया, भाई आ जाओ बुला लाओ, भैया कैसे भी हो आ जाए तो हम क्षमा कर देंगे, ठीक है आप तो बोल दिया ऐसा, सनातन गोस्वामी जा करके तो पहले एक जगह चुपचाप ठहरा था, जो तेरे को हम बुला लेंगे समय पर, तू ठहरे रहना चुपचाप, तो जीव गोस्वामी को लाए, ले दंडवत कर, क्षमा मांग, फिर कभी ऐसा नहीं भूल करेंगे, जीव गोस्वामी पहले तो सिखाया हुआ था, दंडवत किया, फिर तीनों रोना शुरू कर दिए हैं, जीव गोस्वामी रो रहे हैं, उधर उतने बड़े पंडित उतने बड़े विद्वान सारा भारतवर्ष में, उसमें जीव गोस्वामी जैसे पंडित उसमें पहले भी नहीं था, बोलते हैं अभी भी इतने बड़े पंडित होना मुश्किल है, तीनों रो रहे हैं आपस में, जीव गोस्वामी को छाती में भर करके, रूप गोस्वामी रो रहे हैं, सनातन गोस्वामी भी रो रहे हैं, ये दीनता की विनम्रता शिक्षा दे रहे हैं, यह आचरण ये विद्वत्ता, यह पुथिगत विद्या, ये विद्वत्ता का उतना इम्पोर्टेंस ही है नहीं, जहाँ आचरण का इतना इम्पोर्टेंस ही है, एक मूर्ख आचरण के द्वारा भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन एक विद्वान समस्त शास्त्र भंडार अध्ययन करके घमंड के कारण संसार चक्र में चला जाता है, यहाँ एक मूर्ख बाजी मार जाता है, पंडित परा रहता है, ये मार्ग ऐसा है, ये भक्ति मार्ग ऐसा है, यहाँ पंडित परा रहता है, मूर्ख बाजी मार के चला जाता है, हाँ पंडितताई के साथ अगर विनम्रता दीनता का संयोग होता है तो अति उत्तम, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ शुद्धा जार उत्तम अधिकारी से तारा संसार, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ शुद्धा, ये तो अति उत्तम, लेकिन कभी कभी विद्वत्ता ये ज्ञान इसमें पछड़ जाता है, अभिमान आ जाता है, अभिमान नहीं आया तो बहुत मंगलकारी होता है, दूसरा का भी मंगल करता है, अपना तो मंगल होता ही है, ये बात है, अहंकार जो है बड़ी सबसे खतरनाक है, अच्छा फिर काल चलेंगे तो क्या करें, हरी कथा ऐसे जय जय श्री राधे, काल फिर चलेंगे हम लोग।